बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी चीज़ी पोटैटो कबाब। ये बहुत इजी रेसिपी, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने 1 kg आलू लिए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और 1 घंटे के लिए बॉयल करने के लिए रख दूँगी कवर करके। अब 1 घंटे बाद मैं इन आलू को चेक करूँगी कि हमारे आलू बॉयल हुए हैं या नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, सारे आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको अच्छे ठंडे पानी में डालकर छिल लूँगी। अब मैं इन आलू को अच्छी तरह मैश कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, इस हाँ मैं सब आलू को अच्छी तरह मैश कर लूँगी। हमें गरम गरम आलू ही मैश करने हैं। आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याली बॉयल की हुई चिकन। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हसबे ज़ायका नमक और 2 टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा। और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद अब मैं इसको मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। मिक्सचर हमारा मिक्स हो गया है। अब मैं कबाब बनाना रेडी करूँगी। सबसे पहले मैंने लिए है आलू। अब मैं इसका कबाब बनाऊंगी। अब मैं इसके बीच में रखूंगी चीज़। मैंने बर्गर चीज़ ली, आप इसकी जगह आप मोज़िला चीज़ या चटर चीज़ भी ले सकते हैं। इस तरह मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, कबाब हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसमें अंडा लगाऊंगी और ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। इसी तरह मैं अपने सारे कबाब रेडी कर लूँगी। सबसे पहले मैं लूँगी ऑयल और इसको गरम कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कबाब और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी लाइट ब्राउन। अब मैं इसको पलट दूँगी दूसरी साइड से फ्राई करने के लिए। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे कबाब। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मगर इससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।